think जब क्रिकेट में चौका और छक्का लगता है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट होता है बिकॉज लोग अचानक से डांस करने लग जाते हैं और म्यूज़िक बजने लग जाती है, बिल्कुल मैहूना स्टाइल हो जाता है क्रिकेट का मैदान। सो आई थिंक इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे आई थिंक बॉलिंग ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़ा आता है जिस हिसाब से लोग भागते हुए आते हैं, पता ही नहीं चलता है कि इंसान कैसे बॉल करने वाला है क्योंकि बहुत लोगों के अलग अलग स्टाइल होते हैं बॉल करने के, बहुत फास्ट आते हैं और यू नो बॉल ऐसे जाता है, कभी कोई लोग इंसान बहुत स्लो आते हैं और इतने जोर से बॉल मारते हैं कि पता ही नहीं चलता है। सो आई थिंक मुझे बॉलिंग ज़्यादा पसंद है। ऑफ कोर्स आई थिंक आई सपोर्ट ओवरऑल प्लेयर्स बिकॉज आई थिंक दे डू ग्रेट वर्क, या वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे पूरे के पूरे 11 के 11 प्लेयर्स अच्छे लगते हैं एंड आई होप कि वो लोग, अनफॉर्चुनेटली हम ऑस्ट्रेलियन टीम में कुछ कर नहीं पाए, बट आई होप जब नेक्स्ट सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो तो दे डू गुड। एक्चुअली अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरी टॉम डिक एंड हैरी ही है, अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी सी डिले हो गई है फॉर बिकॉज वन ऑफ आवर एक्टर्स इज़ नॉट अवेलेबल फॉर नाउ, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम 1 more month एंड होपफुली आई विल स्टार्ट सून। आई थिंक दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड दिस इज़ वेरी क्या कहते हैं, बहुत बचकानी चीज़ हुई है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम मैं ये सारी चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है मैं खुद भी ऐसे एक्ट्स नहीं करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा भी नाम है, मुझे नहीं पता मुझ पे FIR क्यों हो गई है, मैं तो FIR क्वीन हो गई हूँ, कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन तो थी, अब लोग धड़ाधड़ मुझ पे FIR भी डालते रहते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी वियर्ड दैट यू नो नॉट जस्ट किकू, इट वॉज वेरी रॉन्ग ऑन पीपल कि उन्होंने उनको यहाँ से वहाँ लेके गए और साथ में हम 4-5 एक्टर्स के ऊपर भी एक नया FIR डाल दिया है। सो इट्स जस्ट स्टूपिड। आई थिंक फॉलोअर्स होना अच्छी बात है बट अगर आप किसी के भक्त हो तो इस तरीके से यू नो चीज़ें करना इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज इवेंचुअली हम ऊपर वाले को भी मानते हैं बट जब हम गलत करते हैं दैट डजंट मीन समबडी इज गोइंग टू कम एंड टेक सच एक्शंस। सो आई थिंक वी हैव टू बी लिटिल रीजनेबल एंड आई थिंक राम रहीम जी ने भी बोला है कि ये मैंने नहीं मेरे फॉलोअर्स ने किया है, तो आई होप उनके फॉलोअर्स यू नो थोड़ा सा ह्यूमर लाने की कोशिश करें लाइफ में। लाइफ इतनी सीरियस नहीं है तो प्लीज़ खुद ह्यूमर लाइए, खुद को नहीं है तो दूसरों का ह्यूमर उनके पास रहने दीजिए यू नो।